हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर के सेकंड चैप्टर द थीप्स स्टोरी, जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है या एनसीईआरटी टाइप का जो क्वेश्चन आंसर है उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आइए देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड हरी सिंह गो टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास क्यों गया? आंसर, हरी सिंह वॉज अ थीप, हरी सिंह एक चोर था। ही हैड नॉट मच लक इन हिज वर्क रिसेंटली, तो अभी हाल में अपने कार्य में उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा था। सो ही वेंट टू अनिल विथ द इंटेंशन ऑफ रॉबिंग हिम, इसलिए वह अनिल के पास उसको लूटने के इरादे से गया। अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार विनिंग अनिल्स कॉन्फिडेंस वॉज एन ईजी वर्क। हरी के अनुसार अनिल के विश्वास को जीतना बड़ा आसान कार्य था। सेकेंड क्वेश्चन, अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चल रहा था। आई फॉलोड कैजुअली, मैं बड़े लापरवाही से उसके पीछे पीछे चल दिया, अनुसरण किया। व्हाट डू यू थिंक द नरेटर फॉलोड अनिल, आप क्यों सोचते हैं कि कहानी वक्ता अनिल का अनुसरण किया, पीछे पीछे गया? आंसर, ही फॉलोड अनिल टू गेन हिज ट्रस्ट, वह अनिल के पीछे पीछे इसलिए गया कि उसका विश्वास जीत सके। एंड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और एक सौभाग्य की तलाश कर सके, एक मौके की तलाश कर सके। दैट मे हेल्प हिम गिव शेप टू हिज प्लान्स, जो उसकी योजना में मददगार साबित हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल एंड हरी एग्री अपॉन टू बी मोड ऑफ पेमेंट, तो अनिल और हरी ये पेमेंट की किस मोड पर एग्री हो गए, सहमत हो गए, मतलब अनिल क्या देगा हरी को? आंसर, व्हेन अनिल स्टेटेड हिज इनएबिलिटी टू पे हरी, जब अनिल ने हरी से कह दिया कि हम पेमेंट नहीं दे सकते, तो अनिल क्वेश्चन्ड हरी इफ ही कुड फीड हरी, कि क्या वह हरी को भोजन खिला सकता है। हरी रियलाइज्ड दैट ही हैड मिसजस्ड हिज टारगेट, हरी को महसूस हुआ कि उसने अपने उद्देश्य को मिसजज किया है, गलत चुना है। एंड मॉडल्ड द सिचुएशन फॉर हिज बेनिफिट, और उस स्थिति को समझते हुए अपने लाभ में परिवर्तित करने का उद्देश्य बनाया। अनिल देन एग्रीड, तब अनिल सहमत हो गया टू फीड हिम, कि उसको भोजन खिलाने के लिए सहमत हो गया। इफ ही न्यू हाउ टू कुक, अगर वह भोजन पकाना जानता है तो। फोर्थ क्वेश्चन, डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी अनिल के लिए कार्य करना पसंद करता था? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो अपने उत्तर के सपोर्ट में कारण दीजिए। आंसर, यस हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, हाँ हरी अनिल के लिए कार्य करना पसंद करता था। ही वॉज हैप्पी टू कैरी ऑन द कोर्स फॉर हिम, वह उसके लिए छोटी छोटी खरीदारियाँ
करने में खुश था। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन, वह उस शिक्षा के लिए कृतज्ञ था विच ही वॉज रिसीविंग, जो वह ले रहा था, अनिल जो उसे पढ़ा रहा था उसके लिए वह कृतज्ञ था। ही यूज टू मेक प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, वह एक दिन में 1 रुपये कमाया करता था। इट वॉज अ डिसेंट अमाउंट बिसाइड्स बींग फेड, तो भोजन के अतिरिक्त यह एक छोटी सी रकम थी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अनिल टू रॉब अनिल हरी टू रॉब अनिल, तो हरी के लिए अनिल को लूटना बड़ा मुश्किल था क्यों? आंसर, इट वॉज डिफिकल्ट हरी टू रॉब अनिल, हरी के लिए अनिल को लूटना मुश्किल था, कठिन था, बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि अनिल सबसे ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था। ही वॉज रियली सिंपल एंड काइंड, वह वास्तव में साधारण और दयालु था। हरी न्यू दैट, हरी जानता था कि लॉस ऑफ मनी विल नॉट अफेक्ट, ये जो धन का न होना, खो जाना, उतना प्रभावित नहीं करेगा, बुरा प्रभाव नहीं डलेगा अनिल को, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट विल मेक हिम सैड, बल्कि विश्वास का खो जाना उसे उदास कर देगा, दुखी कर देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द थेफ्ट, तो चोरी की रात जो घटना घटित हुई उसका वर्णन कीजिए। आंसर, द नाइट ऑफ रॉबरी, चोरी की रात, वॉज क्वाइट इवेंटफुल फॉर हरी सिंह, हरी सिंह के लिए बहुत इवेंटफुल थी, उपयोगी थी, घटना जनित थी। आफ्टर स्टीलिंग अनिल सुमनी, अनिल के धन को चुराने के पश्चात, ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, वह अनिल के घर को छोड़ दिया, एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन चला गया। बट ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ, किंतु वह लखनऊ की ट्रेन पर नहीं चढ़ा, सवार नहीं हुआ। ही वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, वह धीरे धीरे बाजार से होकर चल दिया। देयर ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, देयर ही डिड नॉट होना चाहिए था, नॉट लिखिएगा आप, देयर ही डिड नॉट नो एनी वन एक्सेप्ट अनिल, तो वहाँ पर वह अनिल के अलावा और किसी को नहीं जानता था। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, सो ही वॉज फोर्स टू टेक शेल्टर अंडर द क्लॉक टावर, इसलिए बाध्य होकर क्लॉक टावर, घंटा घर के नीचे उसने मजबूर होकर शरण ली। लेटर बाद में ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बाद में उसने शिक्षा के महत्व को रियलाइज किया, महसूस किया। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल, अंततः वह निर्णय लिया वापस जाने का, अनिल के पास वापस जाने का निर्णय लिया। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको अपने नोटबुक में एक बार सुनने के बाद नोट कर लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आएंगे। हैड अनिल रियली फॉरगिवन हरी सिंह, क्या अनिल वास्तव में हरी सिंह को माफ़ कर दिया? फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, फॉरगिवन है यहाँ थर्ड फॉर्म। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के कारण दीजिए। आंसर, यस, हाँ, अनिल हैड फॉरगिवन हरी सिंह, अनिल हरी सिंह को माफ़ कर दिया था। ही गिव हरी अ 50 रुपी नोट, उसने हरी को 50 रुपये के एक नोट दिया। When he woke up, जब वह जगा, तो जब हरी जगा तो अनिल ने उसको 50 रुपये के नोट दिया। Although he knew
दैट हरी हैड रॉब्ड द मनी, यद्यपि वह जानता था कि हरी उसके धन को लूटा था, फिर भी उसने पैसा दिया। ही हैड अ होप ऑफ चेंज इन हरीज कैरेक्टर, फिर भी उसको एक आशा थी कि हरी के चरित्र में, व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।